देखो क्या हुआ है, ये बैग अपना फट गया। ऐसी अपनी टर्बो फैमिली, मैं एकदम झकास और बहुत ही बढ़िया मैं हूँ अभी एक्चुअली कैंट मेट्रो स्टेशन डेरी, और ये रही बाइक बिल्कुल तैयार खड़ी हुई। मैंने टॉप बैग लगा ली है, टॉप बैग इसलिए लगाया क्योंकि सैडल बैग जब रात को लगा के देखा तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही थी कि इस साइड से वो अंदर की साइड जा रहा था, टायर पर टच होने का मेरे को ऐसा लग रहा था कि टच ना हो जाए। तो अभी मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सेट है और कहीं जाना नहीं चाहिए। तो बाइक बिल्कुल क्लीन चमक रही है, थोड़ी बहुत गंदी भी है, थोड़ी बहुत चमक भी रही है क्योंकि रात को मैंने साफ़ की थी। और अब चलते हैं राइड पे। तो टाइम हो रहा है 7:56 AM एग्जैक्ट, बाइक ने टेम्परेचर ले लिया है, पावर ए और ट्रैक्शन वन, मतलब ट्रैक्शन वन पे इस टाइम फुल पावर पे बाइक, और इसको 0 किलोमीटर करते हैं। यहाँ पे 44 किलोमीटर दिखा रही है फ्यूल, मतलब जितना इसमें बचा हुआ है। तो ये ट्रिप ए मैंने 0 कर लिया है एंड ट्रिप बी भी 0 कर लिया मैंने। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है, कहाँ चलते हैं अपन, क्या होने वाला है आगे ट्रिप में, ये अभी पता लग जाएगा। तो बाइक चली हुई मेरी 9374 किलोमीटर, 44 किलोमीटर अभी पेंडिंग दिखा रहा है फ्यूल, बाकी अब रास्ते में चेक करेंगे। तो लेट्स गो गाइज। और ये ट्रिप बड़ा स्पेशल होने वाला है मेरा क्योंकि ये मेरा सोलो ट्रिप है, मैं किसी के साथ भी ट्रेवल नहीं कर रहा हूँ आज, नो वन। सो लेट्स गो। तो एक काफी लंबे अरसे से सब लोग वेट कर रहे थे कि मैं ट्रिप पे कब जाऊंगा, तो मैंने 3 दिन का अपना ऑफ ले लिया। शोरूम ऑफ नहीं है, काम सब चालू है, बट मेरे को लगा कि नहीं यार बहुत हो गया, अब तो ऑफ चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया। मेरा स्केड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया और हेक्टिक की वजह से मुझे लगा कि अब तो ऑफ चाहिए ही चाहिए। तो अभी बस बाइक रोकते हैं, बाइक रोक के एक बार एक तो फ्यूल करा लेते हैं इसमें, प्लस साथ में इसमें टायर प्रेशर भी एक बार चेक करा लेते हैं। तो गाइस फ्यूल आया करीब करीब मोटा मोटा 900 रुपये का इसके अंदर अभी फुल टैंक। अब एयर प्रेशर जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो गाइस अभी हवा नहीं डल पाई ड्यू टू सम रीज़न, तो काफ़ी सारे लोगों को समझ में आ गया होगा जो दिल्ली वासी हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या किस रोड पे जा रहा हूँ। तो यस आई एम ऑन जयपुर दिल्ली हाईवे, मैं दिल्ली से निकला हूँ अभी गुड़गांव एंड गुड़गांव से सीधा जयपुर। तो जयपुर आई एम कमिंग एंड आई एम कमिंग फास्ट। बस हवा एक बार डलवानी है, वो बहुत ज़रूरी है बिकॉज काफ़ी दिनों से मैंने चेक नहीं किया है टायर प्रेशर। मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही है कि बैग ना राइट साइड ज्यादा जा रहा है, मतलब लटक रहा है। एक बार ना हाईवे उतरते ही रोकते हैं और चेक कर लेते हैं क्योंकि मुझे ये वाली टेंशन नहीं चाहिए कि मैं पूरे रास्ते बैग का ध्यान रखूं। अच्छा वैसे भी मुझे ना लगेज के साथ घूमने की आदत है नहीं, नॉर्मली मैं हमेशा जाता हूँ तब कोई ना कोई बैकअप कार या कुछ ना कुछ व्हीकल ज़रूर साथ में होता है जिसमें मेरा लगेज रहता है एक्चुअली। और आज तो मैं एक्चुअल में बहुत ही लेट निकला हूँ, मतलब घर से एक्चुअली मैं निकला था 7:50 पे। तो एक बार रुक लेते हैं, यस मुझे लग ही रहा था कि बैग धीरे धीरे ना साइड में जा रहा है, अभी ठीक लग रहा है।
चलो बेटा चलते हैं। आपके क्या बात है जाने से? अच्छा लुधियाना से? अरे अमेजिंग। अरे आपके ऑटो बेसिक ब्यूरो देखते थे हम। अच्छा ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आ जाओ। अच्छा आराम से आराम से। आपको ना लास्ट चौक पे देखा था, वहां से आपको फॉलो ही कर रहे हैं। अच्छा तो भाई घूमते फिरते मुझे मिल गई टर्बो फैमिली, हेलो आई कर दो और मैं जा रहा हूँ ट्रिप पे। ठीक है चलो भाई ट्रिप वीडियोस देख लेना। तो गाइस लेट्स गो, बस यही प्यार चाहिए सबसे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा इस सीज़न में ना एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि एक्चुअल में जो मौसम हो रहा है वो मौसम हो रहा है बहुत ही गजब का। आंटी ने हेलमेट लगा रखा है, देखो कितना अल्टीमेट तरीके से, बस सिर्फ ट्रैफिक से बच रही हैं वो पुलिस वालों से। तो सर्दियां आ चुकी हैं, ये एक्चुअली गर्मी भी नहीं है और सर्दी भी नहीं है। मेरा लेट निकलने का रीज़न ये भी था कि मैं ही नहीं चाहता था कि मुझे ठंड लग जाए या ठंड की वजह से मेरे को कोल्ड या कफ हो या फीवर हो, क्योंकि अभी बिल्कुल भी ऐसा टाइम नहीं है जब आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो, बिकॉज आपको सीधा कोविड टेस्ट कराना पड़ता है और रैपिड टेस्ट तो नहायत ही बेवकूफ़ वाला है, मतलब वो बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ है जो रैपिड टेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर कभी क्लियर आता ही नहीं है कुछ भी। A few moments later. तो मेरा फर्स्ट स्टॉप था 852 टाइम, 75 किलोमीटर्स मैंने कवर कर लिए हैं, तो 42 मिनट्स में 75 किलोमीटर्स अराउंड एंड 133 किलोमीटर अभी भी पेंडिंग दिखा रही है, और जयपुर जो है 183 किलोमीटर्स, आई बिलीव कैमरा में बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होगा, तो 183 किलोमीटर जयपुर अभी रह गया। तो बस चलते हैं फटाफट से, एक स्टॉप और लेंगे या दो और लेंगे ये भी पता नहीं है। अभी तो एक स्टॉप था जो नेचर कॉलिंग वाला था, वो अपन ने कर लिया है। ओह तो गाइस हमेशा ना गियर पहन के चलाना चाहिए और मैंने पूरा पहना हुआ है सूट, तो अभी जब नेक्स्ट स्टॉप पे रुकूंगा ना तब कैमरा निकालूंगा, कैमरा ना अभी बैग में पड़ा हुआ है। अब हेलमेट पे गोप्रो लगा हुआ है तो अरे बंद हो जाओ भाई। यस तो हेलमेट पे लगा हुआ है गोप्रो एंड इस वजह से मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ कि मैं कैसी ड्रेसअप में हूँ, बट मैं हमेशा जब भी ट्रैवल करता हूँ कोशिश पूरी करता हूँ कि पूरे गियर पहन के चलूँ, क्योंकि रोड पे क्या पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए। तो देखो ये तो इंश्योर्ड है, मेरा भी हेल्थ इंश्योरेंस है, पर जो दर्द वर्द होते हैं ना उनका कोई इंश्योरेंस नहीं होता और उनका कोई इलाज नहीं होता, तो कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए किसी भी तरीके का। तो गाइस लेट्स गो।
ऐसे काफ़ी तेज़ और हवा के चक्कर में ना मेरी बाइक जा रही है एक साइड, मतलब ऐसे टेढ़ी चलानी पड़ रही है मुझे। प्लस कुछ बैग ना ये परेशान भी ज़्यादा कर रहा है मुझे। मेरे को ना एक तो वेट लेके चलने की आदत नहीं है बिल्कुल भी बाइक के ऊपर। रेवाड़ी यार, मेरी ना बाइक ना टेढ़ी चल रही है, दिमाग खराब कर रही है ये मेरा। और टेढ़ी पता है क्यों चल रही है, क्योंकि इधर ना बैग इस साइड जा रहा है, और बैग इस साइड जा रहा है ना, तो मेरे को वेट ऐसे करना पड़ रहा है बाइक का वेट सही करने के लिए। ये प्रॉब्लम मैं पहली बार फेस कर रहा हूँ वैसे, क्योंकि इतना लगेज लेके तो मैंने आज तक कैरी ही नहीं किया होगा कभी भी बाइक के ऊपर। एनीवेज इसको ठीक करना ज़रूरी है, एक जगह रोकता हूँ इसको ठीक करता हूँ पहले, ये बहुत ही इरिटेटिंग हो रहा है। पता लगेगा वहाँ तक जयपुर तक पहुँचते पहुँचते मेरी राइडिंग स्टाइल ही ख़राब हो गई। मैं बाइक भी ऐसे ही चला रहा हूँ फिर। परमानेंट ऐसी हो जाएगी। कह रहे नहीं वेस ये नहीं करना, रोकते हैं अभी। भाई ये टहल रहा है, टहल क्यों रहा है? हाईवे के बीचों बीच टहल रहा है, माय गॉड। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, वेलकम टू राजस्थान। मैं एंटर कर गया हूँ राजस्थान के बॉर्डर में। तो फाइनली बाय बाय दिल्ली, बाय बाय गुड़गांव, बाय बाय पॉल्यूशन। पॉल्यूशन तो बहुत ही हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि कल काफ़ी लोगों ने बहुत सारे पटाखे फोड़े हैं। अब यार मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब पॉल्यूशन ऑलरेडी इतना है तो पटाखे क्यों जला रहे हो, थोड़ा सा इग्नोर कर लो। मुझे पता है वैसे दिवाली है, सेलिब्रेट करना है, बट स्टिल कभी कभी यू नो अपने आप को, अपने फ्यूचर को और बाकी सब चीज़ों को बचाने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। तो एनीवेज जयपुर 157, तो यार ये बिल्कुल सही जगह लग रही है रुकने के लिए। फाइनली गाइस मैं पहुंच गया हूँ, मुझे नहीं पता कितने दूर, तो किलोमीटर दिखा देता हूँ एक बार। तो 126 किलोमीटर, 9:05 और मैं निकला था करीब करीब 8 बजे, जिसमें अपन ने बीच में एक जगह पेट्रोल भी डलवाया है। तो अब समझ जाओ कितना किलोमीटर कितने देर में। ये देखो बैग की हालत, तो बैग दिखा देता हूँ पहले, ये देखो कहाँ जा रहा है ये, इसको ठीक करना पड़ेगा अभी इमीजिएटली पूरा सीधा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो चुका है। अब देखो क्या हुआ है, ये बैग अपना फट गया, और फटा कैसे है कि यहाँ पे टायर पे टच हो रहा था और ये फट गया, ये एग्जॉस्ट नोट से जल गया। अब मैंने क्या किया था कि बंजी रोप्स इसके अंदर डाल दी थी, ये वाली पॉकेट में। किस्मत की बात है कि एक बंजी रोप बच गई और एक ही ख़राब हुई है, तो एक मैंने ये ऑलरेडी बांधी हुई है, तो इसको अच्छे से बांधना पड़ेगा ताकि ये वाली प्रॉब्लम दोबारा ना आए। किस्मत एक चीज़ अच्छी है कि बैग बच गया पूरा, बैग नहीं फटा, नहीं तो सामान पूरा निकल के गिर सकता था। Meanwhile, तो यार मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सुबह सुबह ना कॉफ़ी मिल जाती है ढंग की, तो वैसे कोस्टा कॉफ़ी पे हूँ मैं, एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, आई रियली लाइक द प्लेस। मैं पहले भी यहाँ पे वैसे रुका हूँ, एंड मेरे बाल बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुके हैं, तो ये मैं उतारना ही चाहता क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा, मैं बाल ना ऐसे ऐसे हुए हैं अजीब से।
तो एनीवेज जयपुर चलते हैं। जयपुर में सबसे पहले तो ये जो गियर्स मैंने पहने हुए हैं, ये देखो, मैं इतने गियर पहन के चलता हूँ हमेशा, क्योंकि बचाते यही हैं। तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि गियर्स पहनो, अच्छे से सेफ्टी से चलो रोड के ऊपर, बिकॉज यू नेवर नो कि सामने वाला कैसे चला रहा है। हम तो बहुत सही चला रहे हैं, बट सामने वाले का हमें नहीं पता होता। तो कॉफ़ी मैं इन्जॉय करता हूँ और यहाँ से सीधा चलते हैं जयपुर। तो गाइस फाइनली आई एम रेडी टू रोल अगेन, एंड दिस इज़ द प्लेस, द फूड स्ट्रीट, हाईली रिकमेंडेबल। और इस लाश को अपन यहीं छोड़ के जा रहे हैं। तो ये लाश बन चुकी है, बैग अब मैंने अच्छे से मतलब रैप कर लिया है, मैंने दो मंजीरों पर एक साथ बांध दी है ताकि थोड़ा सा भी ना हिले, एंड अपन आराम से अच्छे से सेफली पहुँच जाएँ सामान के साथ में। मैं नहीं चाहता इसमें से सामान कोई भी गिरे, बिकॉज सामान एक्चुअली बहुत सारा है। बाइक हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा गंदी, एंड लेट्स रोल। सो गाइस फ्यूल आया है करीब करीब 1200 रुपीज़ का, और बाइक चल चुकी है मेरी 171 किलोमीटर, टाइम हो रहा है 10, तो 10 बज गए हैं, और जल्दी से चलते हैं और ख़त्म करते हैं ट्रिप को ताकि आगे और वीडियोस बना सकें। तो एक बार ना मैं बैग भी चेक कर लेता हूँ कि बैग ठीक है या नहीं है। यस, इस बार बैग बिल्कुल ठीक लगा हुआ है और हिल भी नहीं रहे। धीरे धीरे अब लॉन्च की आदत पड़ गई है, मतलब लॉन्च विद अ क्विक शिफ्टर। इवन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी जो वायरल है, वायरल में भी क्विक शिफ्टर ऑटो फ्लिपर लगाना पड़ेगा, बिकॉज इसकी एक्चुअली आदत बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है। मतलब आजकल मैं क्विक शिफ्टर ऑटो फ्लिपर इतना यूज़ कर रहा हूँ, वाओ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, कि मतलब अलग ही मज़ा आने लग गया इसको चलाने में। किलोमीटर रेंज दिखा रहा है 170 से 170 आ गया एकदम से, क्योंकि बाइक को भी समझ में आ गया कि आर्नी बहुत धीरे चलाने वाला है आज, तो आज चलाएंगे बाइक थोड़ी सी धीरे और ज़्यादा तेज चलाने का मन है नहीं। ओ भाई कहाँ से कूदता हुआ आया, जैसे ही ये वाले पहाड़ नज़र आने चालू हो जाए ना, समझ जाओ कि आप जयपुर के बहुत ज़्यादा पास आ गए हो। दीज आर ऑल अरावली हिल्स, एंड यहाँ पे से ना मतलब कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि भाई मैं अपने होम टाउन जा रहा हूँ। तो काफ़ी लोगों को शायद नहीं पता है, बट जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ कि आई एम फ्रॉम जयपुर, मेरा बॉर्न ब्रॉटअप सब जयपुर का है, एंड मैंने काफ़ी टाइम अपनी लाइफ का जयपुर में निकाला है, और काफ़ी अच्छा खासा टाइम। तो ये पहाड़ और सामने ये होटल हाईवे किंग, तो होटल हाईवे किंग पे वैसे सीसीडी भी है, मैं चाहता तो यहाँ भी रुक सकता था, बट उस टाइम एक बार लग रहा था कि रुकी जाओ, और अच्छा ही हुआ मैं रुक गया। अगर मैं नहीं रुकता तो बैग बहुत ज़्यादा फट जाता और मेरा जो एक्चुअली लगेज है तो वो भी ख़राब होने के चांसेस थे। अच्छा किस्मत भी ये देखो कि कितनी अच्छी थी कि जो नीचे वाली पॉकेट थी मैंने उसके अंदर रखा हुआ था बंजी रोप, अगर उसके अंदर कोई कैमरे का सामान होता, बैटरीज होती या कुछ छोटा मोटा सामान होता तो नुकसान होने के पूरे चांसेस थे। तो एनीवेज बीच बीच में हमेशा रुक के चेक कर लेना चाहिए। प्लस बहुत अच्छा डिसीजन रहा कि मैंने बंजी रोप मंगा ली थी, और बंजी रोप मैं 3 कैरी कर रहा था जिसमें से एक तो शहीद हो गई और 2 अब बैक पे लग चुकी हैं प्रॉपरली। सो
सो गाइस टेक्निकली मैं जयपुर पहुंच चुका हूं। जयपुर मतलब जयपुर अब यहां से रह गया मुश्किल से कोई 20 किलोमीटर सिटी, और मैं ढूंढ रहा हूं कोई पॉल्यूशन वाला, पॉल्यूशन नहीं हो रहा बाइक का। मैं नहीं चाहता कि जयपुर के अंदर कोई चलान हो जाए, वो भी बेमतलब में। मतलब क्या, पॉल्यूशन होती तो 150 रुपये की चीज़ है, पर चलान उस पर 10-10 हज़ार रुपये का है। तो आई रियली लव द हिल्स। वैसे में ये एग्जैक्टली जगह है, देखो मैं बहुत टाइम हो गया आया हूँ, तो कूकस, यस राइट, दिस इज़ कूकस। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेजेस भी हैं, ली मेरिडन होटल भी आएगा आगे, और उसके बाद आएगा आमेर, आमेर फोर्ट, जो बहुत ही फेमस जगह है यहाँ की। तो सच बताऊँ तो वैसे मुझे लग रहा था कि शायद मैं थक जाऊँगा, बट ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ। मैंने 45 मिनट्स का अच्छा खासा ब्रेक लिया है। टाइम हो रहा है 10:32। किलोमीटर अपन ने जो टोटल ट्रैवल किया है वो किया 235 अभी तक। एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग द वेदर एंड द एयर। मतलब 10:30 बजे इतनी ठंडी हवा, नो धूप, ओ दिस इज समथिंग क्रेजी भाई। स्टोन्स के बने हुए थे, मार्बल के एक्चुअली, और अच्छे बने हुए थे। मतलब कितनी मेहनत का काम होता होगा मैं सोच सकता हूँ, हाथ से धीरे 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 बनाना, इट्स नॉट ईजी। ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये पहली बार देखी है भाई, ये नया खुला है कुछ, ये पहले नहीं था यहाँ पे। यस, किसी चीज़ में आग लगी है, होपफुली सब ठीक हो, आई विश एंड आई प्रे। जयपुर, वेलकम टू जयपुर गाइस, दिस इज बाउंड्री लाइन ऑफ जयपुर। वैसे ये चेक पोस्ट है जिसपे मुझे कोई भी नहीं दिख रहा चेक करने के लिए कुछ भी, बट रात को यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी चेकिंग रहती है, जो मैंने काफ़ी बार फील की है। ओह माय गॉड, एलिफेंट, इस पे लोग मोजी खा रहे हैं। अच्छा, आज वैसे कोई फेस्टिवल भी है मेरे ख्याल से, भाई दूज है। तो दिस इज़ जयपुर आमेर, तो मेरे को जाना है आमेर की साइड, एंड ये अपन ने ले लिया आमेर की साइड। तो ये अब आ गए अपन प्योर सिटी वाले एरिया में। वाओ, एली एली भैया कैसे हो, दे लुक गुड ना। तो भाई ये आ गए अपन बिल्कुल बीच आमेर के। आमेर मतलब यहाँ पे फोर्ट है, आमेर फोर्ट, जो काफ़ी पुराना है। वैसे फोर्ट पुराने ही होते हैं, खैर मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जिसने भी जोधा अकबर देखी हो उसको समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ। यहाँ पे मिलती हैं बहुत अच्छी अच्छी नमकीन और मिठाइयाँ, और अल्टीमेट वाली जाते टाइम लेके जाएंगे जब वापस दिल्ली जा रहे होंगे। अभी तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अभी मैं होटल में लेके गया तो मैं पूरी खा जाऊँगा, एंड दैट्स नॉट गुड। तो एक बार तो बनता है नज़ारा दिखाना। ओ लुक एट दैट व्यू, पीछे आमेर फोर्ट एंड बहुत ही अल्टीमेट व्यू, अमेजिंग व्यू। लाइक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं एक जयपुर वाले नए व्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे, जिसमें मैं जयपुर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने वाला हूँ, बाइक पे या कार पे डिपेंड करता है। तो जयपुर में मेरे पास कार भी अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड आई विल बी इंजॉइंग इट। मतलब जयपुर इज़ फन एंड आई लव जयपुर लाइक एनीथिंग, बिकॉज एक तो ये मेरा होम टाउन है, दूसरा समझ जाऊँगा।